जय चिंतानी। बदले की दिशा, बदले का भाग्य। इस सप्ताह का थंबनेल इस तरह से बनाया है मैंने, और दिशा तो बदल ही जाएगी ना, जब इतने सारे ग्रह बदल चुके हैं। शुक्र जो है वो कर्क में, सूर्य कर्क में, मंगल वृषभ में, बुध सिंह में, एक बहुत ही सुंदर जमावड़ा ग्रहों का अपने अपने भावों में अच्छा सा असर देते हुए, अपनी पहले वाली स्थिति को कायम रखते हुए और सभी का भला करते हुए, नसीब बदलते हुए, सबका किसी का बुरा ना करते हुए कायम रहेगा 21 जुलाई तक। मैं कामिनी खन्ना YouTube/Beauty with Astrology से आप सभी के साथ आपका अभिवादन करते हुए आइए साप्ताहिक राशि भविष्य में आपका स्वागत है। ये साप्ताहिक राशि भविष्य 14 जुलाई 2024 से लेकर 21 जुलाई 2024 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं जो हैं उसमें मुख्य जो है वो मासिक दुर्गाष्टमी है, वो आ रही है 14 तारीख को। इस दिन माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के पाठ करवा सकते हैं आप, या दुर्गा माँ के अन्य तरीके से पूजन कर सकते हैं। 16 तारीख को सूर्य कर्क राशि में सुबह 11:18 पर प्रवेश कर जाएंगे, जिसका विस्तार पूर्वक वीडियो आपको मिल चुका है। 17 तारीख को देव शयनी आषाढ़ी एकादशी है महाराष्ट्र में। इस एकादशी का त्यौहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और व्रत किया जाता है, आप सभी को बधाइयाँ। इसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं बुध को, जो सिंह राशि में रात्रि 8:39 पर प्रवेश कर जाएंगे 19 जुलाई को, और उसी दिन प्रदोष भी है, मासिक प्रदोष, बच्चों की भलाई के लिए व्रत किया जाता है। मज़ेदार बात यह है कि सिंह राशि जो है बुध के परम मित्र सूर्य की राशि है, और बुध इतने दिनों से कर्क राशि में बेचैन थे, जो अब जाकर अपना आसन जमा कर बैठेंगे व्यवसाय बढ़ाने के लिए, आपकी गतिविधियों में तेज़ी लाने के लिए, व्यवसायिक गतिविधियों में आपकी बुद्धि को चालना देने के लिए और आपकी व्यवहार कुशलता ज्ञान बढ़ाने के लिए। वहीं पर सूर्य शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, काला टीका लग जाएगा। अब कोई ना कोई बात तो ऐसी होती है ना हर सप्ताह में, जिसमें सारे ग्रहों के अच्छे चलते हुए एक बीच में काला टीका, नज़र बट्टू लग जाता है, और ये नज़र बट्टू है सूर्य का शनि के नक्षत्र में जाना, वो भी 19 तारीख को होगा, और जिसका विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा। बुध का सिंह राशि में जाना, इसका भी विस्तृत वीडियो आपको मिलेगा। वहीं पर 20 तारीख को पूर्णिमा है, और पूर्णिमा प्रारंभ 5:59 पर हो जाएगा। इसके साथ 21 तारीख को कंटिन्यू करेगी पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आपके समक्ष होगा। आप सभी को अपने अपने गुरुओं के पूजन की खूब ढेर सारी मंगलकारी बधाइयाँ देती हूँ। जिन लोगों के गुरु नहीं हैं वो अपनी माता को गुरु मानते हुए, क्योंकि वो सर्वप्रथम गुरु होती हैं, उनके चरण छुएं, उनकी आराधना कीजिए। अदरवाइज़ आप कृष्णम वंदे जगत गुरु बोल के अपने अपने इष्ट देवताओं की, देवी की भी गुरु समझ के पूजा कर सकते हैं। जय जीवदानी। अब मैं बताऊं आपको कि व्यास पूजा वाले दिन, गुरु पूर्णिमा वाले दिन, पूर्णिमा समाप्ति 3:47 पर हो जाएगी। और इसी के साथ इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं के विवरण का ब्यौरा ख़त्म, और आगे बढ़ते हैं हम इस ओर के क्या होगा इस सप्ताह में इससे लेके मीन राशि वालों पर, जबकि बीच में चंद्रमा नीच के भी होने वाले हैं। जब चंद्रमा नीच के होंगे आपको बिल्कुल भी नहीं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग में बहुत उछाल मारनी है, जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, क्योंकि चंद्रमा होते हैं पेटी कैश, चंद्रमा होते हैं धन, और चंद्रमा 16 तारीख को 7:50 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ पर वो 17 तारीख को अहोरात्र रहेंगे और 18 को भी देर रात तक रहेंगे। सावधान ज़्यादा रहना है 17 और 18 को, और अगर कोई व्यवहार पैसों का करना पड़े तो उससे भी परहेज कीजिए। चलिए, जैसे जैसे उपायों की दरकार पड़ेगी, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, आप सभी को उस प्रकार से मैं मेष से लेकर मीन राशि को उपाय भी बताती जाऊंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं बताऊंगी अनावश्यक, और फटाफट आपको बताती हूँ क्या होगा इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का आप पर असर। मेष राशि, देखिए लग्नेश आपके सेकंड हाउस में चले गए हैं, तो क्या होगा, एग्रेसिवनेस सेकंड हाउस में हो गए, क्योंकि सेकंड हाउस जुबान का भी होता है, परिवार का होता है, तो पैसा भी
वहीं से देखा जाता है, एक्युमुलेटेड धन वहां से देखा जाता है, संचित धन वहां से देखा जाता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें गुस्सेबाजी, पैसों का गवा देना, संचित धन को निकाल देना, परिवार से मनमुटाव करना, अगर ये सब बात छोड़ देना तो आप अपना संचित धन करने में व्यस्त भी रह सकते हैं, ये भी मैं कह सकती हूँ। और यहाँ से जो मंगल आपको देखते हैं वो मैं सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश मैंने वीडियो दिया है, लेकिन आपको साप्ताहिक राशि भविष्य में भी बता दूँ कि दिमाग पर बड़ी तेज़ी छाई रहेगी काम करने के लिए, धन कमाने के लिए, तबीयत अच्छी हो जाएगी आपकी एकदम टनाटन, और साथ साथ आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे काम के, नौकरी के, आगे बढ़िए, ग्रैब कीजिए। वहीं पर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको कई सारे काम जो हैं बन जाएंगे, आपके बच्चों से रिलेटेड, संतान पक्ष से रिलेटेड, जो लोग पढ़ाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पढ़ाई कैसे बढ़ाई जाए और कैसे उनका नया बिज़नेस शुरू किया जाए, तो ये नया बिज़नेस शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छे दिन हैं। और साथ साथ आपके लिए, आपके पढ़ाई करने के लिए, कोई वीज़ा वगैरह लगाने के लिए, आपको नौकरी पाने के लिए, व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए भी बहुत अच्छे दिन हैं। अगर कोई डायग्नोस कराना है, कोई टेस्ट कराना है, कोई आपको नया बिज़नेस एकदम जन्म देना है, जिसको शुरू करना है, जो पहले किसी ने ना किया हो, वो भी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन का सपोर्ट मिल सकता है, परिवार का सपोर्ट मिल सकता है। वहीं पर आपके पिछले जो कार्य छूट गए थे उनको भी करने में आप इस सप्ताह में आगे बढ़ सकते हो। एक ही बात का ध्यान रखना है कि रेनोवेशन वगैरह पे अंधाधुंध अभी खर्चा नहीं करना है। मानसिक बेचैनी होती है विवाहित जीवन में, क्योंकि है अभी इन दोनों मानसिक बेचैनी है कि नहीं, मुझे कमेंट में लिखिएगा। और हालांकि जो लोग विवाहित नहीं हैं और जो प्रेम संबंध में हैं, उनको लव लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो लव लाइफ की प्रॉब्लम हटाने के लिए आपको गुरु के उपाय करने चाहिए, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आपकी यात्राएं इन दिनों जो हैं आपको तबीयत संभालते हुए करनी है, कामकाज भी तबीयत संभालते हुए करना है, कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसमें तबीयत ख़राब हो। और जो चंद्रमा की मूवमेंट है इस सप्ताह में वो ठीक ठाक तो है, लेकिन चंद्रमा के रहते ऐसी हालातों में आपको अपनी माता की तबीयत का फुल टू ध्यान रखना पड़ेगा। कई सारे काम आपके बौद्धिक स्तर पर भी बनने वाले हैं, मित्रों की सहायता से आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है, और जो काम आपके केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ उलझे हुए थे वो भी बन जाएंगे। बीच में जब नीच के चंद्रमा रहेंगे तब आप संभालिएगा अपनी हेल्थ, अदरवाइज सप्ताह आपके लिए मिला जुला असर लेकर आ रहा है, और सप्ताह आपको एक नई दिशा में ले जाएगा, एक नई उन्नति की ओर, नए भाग्य खोलने की ओर ले जाएगा। वृषभ राशि आपके लिए समझ लें कि आप अंदर से जो सात्विकता लेकर बैठे थे वो आपको जमती नहीं है। आप चाहते हैं मौज मस्ती करना, बताओ चाहते हो कि नहीं, कमेंट में लिखो, और वो आपको मिलती नहीं। कामकाज आपको बहुत करना पड़ता है, भागम दौड़ा बढ़ी हुई है, इसके साथ आपको यात्राओं पर भी जाना पड़ रहा है जहाँ पर आप कंफर्टेबल खुद को नहीं पा रहे हैं। अपनी मानसिक तौर पे आप लोनली फील कर रहे हैं, आपको कोई साथी नहीं है, बच्चों से थोड़ा मन मुटाव है, प्रेम संबंधों में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन एक याद रखें कि यही प्रेम संबंध आपका फुल टू सपोर्ट पैसों के लिए भी कर सकते हैं, काम के लिए भी कर सकते हैं। अभी आपको महालक्ष्मी योग बना हुआ है आप ही की हिम्मत की वजह से, तो अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से अपना बिजनेस बढ़ा लीजिए, और अपना बिजनेस के साथ साथ अपना कुछ काम, अपना जो खुद का है, अपनी पर्सनालिटी भी करना है, अपनी खुशी के लिए करना है, तो वो भी अवश्य कीजिए। याद रखिए कुछ काम लोहा, लकड़ी, पेट्रोल, जो लोग काम करते हैं पत्थरों का, जो स्टोन्स का काम करते हैं, भले एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन्स हों, भले माइनिंग का हो, भले डॉक्टर्स हों, भले वो काम कर रहे हो ऐसा कोई जिसमें उनको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो, तो वो काम भी खूब बढ़ते नज़र आते हैं मुझे। वहीं पर आपकी हेल्थ की कुछ समस्याएं हैं, आपको मैं स्ट्रिक्ट हिदायत देती हूं कि आप जो है शुगर एकदम कम कर दें, और साथ साथ आप जो है वॉक एक्सरसाइज करने के लिए जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कई सारे स्थगित काम पैसों से रिलेटेड 19 तारीख के बाद माता पक्ष की सहायता से हो सकते हैं, और बिजनेस को 19 तारीख के बाद काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है इस सप्ताह में। हालांकि सप्ताह ही खत्म हो जाएगा एक दो दिन में, लेकिन अगले सप्ताह भी ये बढ़िया वाली स्थिति आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगी। तो इस सप्ताह के मिड में आपको जब बेचैनी हो अपने भाई बहनों से या अपने विवाहित जीवन से, तो वो तारीख चेक कीजिएगा कि वो 17-18 तारीख तो नहीं है, तो थोड़ा
सावधान रहिएगा। अदरवाइज धन प्राप्त करने के पूर्ण योग लाकर आपके द्वारे खड़े हो जाते हैं। थोड़े थोड़े दिनों में पैसा आता है, थोड़े थोड़े दिनों में पैसा चला जाता है, फिर आप सोचते हैं पैसा आया था और फिर पैसा नहीं है, ये स्थिति बनी रहेगी, लेकिन आएगा ज़रूर पैसा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों, बहुत दिनों से अपमानजनित स्थितियाँ, तबीयत खराब होना, थोड़ा थोड़ा कुरबुर रहना, लेकिन हिम्मत बनी रहना आपकी यथार्थ कार्ड्स पर, अपनी होशियारी से अपनी ज़ुबान पे ताला लगा के अपने पैसे को जाता देख रहे थे आप और आता देखा बड़ा कम आपने, अब आपको सूझा है क्योंकि दिमाग अब चलेगा इस सप्ताह के बाद। नसीब पलटेगा, भाग्य पलटेगा जब आपकी सोच बदलेगी। और देखिए, ये सोच जब बदल जाती है ना, तो फिर उस सोच को दोबारा मत बदलिए। जब सोच ऐसी हो जाती है ना कि पैसा जमा करें, तो फिर अपने कार्यों को निर्विघ्न होने दीजिए, फिर बार बार उस बात को बदलना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। वहीं पर मैं बता दूँ आपको कि अब अपनी तबीयत करने के पीछे भी जो ठीक लगे हैं ना आपको, उस बात से भी मत मुकरिए। आप अपनी तबीयत पर लगे रहिए और अपने कार्य पर भी लगे रहिए, हिम्मत से डटे रहिए, घबराइए मत, एंग्जाइटी मत क्रिएट करिए। भले ही आपको गुस्सा चढ़े, आपके कुछ बेचैनी हो प्रेम संबंध में, भले ही आपके कुछ खर्चे ऐसे हो जाएं जो आपको केसेस विवाद पे खर्चे करने पड़ जाएं, आपके नौकरी के लिए या बड़े भाई बहनों के लिए खर्चे करने पड़ जाएं, घबराइए नहीं, ये सब होता रहता है, इसी का नाम ज़िंदगी है। एक बात और याद रख लीजिए, दिमाग को ठीक रखने के लिए हर शुक्रवार, जैसे कि आज ये साप्ताहिक राशि भविष्य रिलीज़ हुआ, आज के दिन आपको महालक्ष्मी के मंदिर जाना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आप महालक्ष्मी के मंदिर ना जा सकें तो अवश्य कोई माता के मंदिर जाएं, महानारियल चढ़ाएं, जो भी सेवा हो वो चढ़ाएं, और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। अभी फ़िलहाल आपकी यात्रा के योग जो बढ़िया वाले बनेंगे, या कामकाज के बनेंगे, या आपके नौकरी पाने के बनेंगे, या नया काज पाने के बनेंगे, तो अपना काम ग्रैब कीजिएगा, अपने घर परिवार की सोचिएगा, अपना संचित धन बनाने की सोचिएगा जो हमेशा ही आपके काम आता है। तबीयत ठीक कर लें आप अभी, क्योंकि आपको कई सारी ऐसा सूझेगा भी अब कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, अपने लिए ये करना चाहिए, अपने लिए वो करना चाहिए, तो ये सही है क्योंकि पहले ऐसा नहीं हो रहा था। आपने लॉकडाउन से लेकर अभी तक कई सारे काम दूसरों के लिए किए, अपने लिए कुछ किया ही नहीं है, तो अब अपना काम टेक्नोलॉजी मीडिया से रिलेटेड भी कर सकते हैं, अपना काम जो है जनता से रिलेटेड बोलने चलने में आप कर सकते हैं, आप आ जाएं जनता के बीच बोलें तो उससे धन भी आएगा आपको, आगे चल के आपका काम काज बढ़ जाएगा। और अभी इस सप्ताह में आपको कई सारी उपलब्धियाँ हो सकती हैं, विदेशों से रिलेटेड आपके नौकरी भी लग सकती हैं, थोड़ा वीज़ा मिलने में थोड़ी सी आपको दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन लगेगा ज़रूर। पिता से थोड़ी अनबन या पिता की तबीयत ख़राब, इस बात से थोड़ा सा बचिएगा। और माता पक्ष से आपको खूब फ़ायदा होने वाला है, तो माता पक्ष से जो भी सपोर्ट है वो लेते रहिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, लग्नेश चंद्रमा जो है ना वो नीच के जब होते हैं ना, तब आप बहुत बेचैनी करते हैं, और ये बेचैनी ना करके अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दें, एक माला ओम नमः शिवाय जप लें, तो आपका जीवन जो है वो सुधर जाएगा। मैं आपको दोहराती हूँ ये डेट 17-18 तारीख, थोड़ा सा संभल के चलिएगा अपने मानसिक हालातों को लेकर, और अगर ज़्यादा बेचैनी होती तो पानी ज़्यादा पीजिएगा, लिक्विड ज़्यादा पीजिएगा। वहीं पर आपकी तबीयत के साथ अब आपका मन शांत हुआ है, कुछ आप चाहेंगे कि व्यवसाय बढ़ाएं तो आप अवश्य व्यवसाय बढ़ाएं, यात्राओं में आपका कुछ मन लगना शुरू हुआ है, कुछ कुछ स्थितियां बदली हैं और कुछ कुछ स्थितियां आपकी धन की भी बदली हैं, माता पक्ष से ही सपोर्ट हो गया है, और बोलने चलने में आपको कॉन्फिडेंस फील होता है। अब आप सोचते हैं कि अच्छा पता तो चल गया कि मेरे साथ हो क्या रहा था, तो ये जानना भी तो ज़रूरी था, और उससे आपकी हिम्मत हौसला खूब बढ़ेगा। अपनी माँ की तबीयत का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो पैसा मिल रहा है ना, भले 500 मिल रहा है तो उसमें से 100 जमा कर लीजिए, तो आने वाले दिनों में आपको ये धन खूब काम आएगा। हालांकि कंप्लीट महालक्ष्मी योग मिला बना हुआ है कार्यों से, तो कोई नया कार्य मिलता है तो उसको बिल्कुल मना मत करिए, ग्रैब कीजिए, और आने वाले दिनों में आपकी बोलचाल के काम, काउंसलिंग कंसल्टेशन के काम, परिवार से रिलेटेड काम, उनकी मदद से काम
संचित धन का काम, एक्युमुलेटेड धन का काम आपके समक्ष आकर खड़ा हो जाएगा और उससे आपको फायदा होगा। यात्राओं में आपका बड़ा रुझान है जाने का, लेकिन आप खुद को तकलीफ देके यात्रा में जाएंगे, ऐसा न करते हुए अगर आराम से जा सकें तो अवश्य जाएं। विवाहित जीवन के लिए मैं कहूँ तो ये चयन वर वधु का करने के लिए बहुत ही प्रॉपर टाइम है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए और शादी की बातें शुरू करिए। देखिए बहुत सारे काम जो है ना वो रोक देते हैं भाग्य में बैठे राहु, तो उनको धत्ता बताते हुए आप अपने काम जो है दिमागी सूझबूझ से करते जाएं। अगर किसी प्रकार की कोई बेचैनी है आपको पैसों को लेकर या कोई घर के हालातों को लेकर, तो उसको शेयर कीजिए लोगों के साथ, उसका रास्ता ढूंढिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए आप जो एक ऐसी अवस्था में आकर खड़े हुए हैं जहां पर आप थक रहे हैं, आपको कामकाज बढ़ रहा है, अगर विदेश जाना है तो वहां की थकन, वहां के खर्चे आपके टोल कर रहे हैं माइंड पे, और ये ही नहीं आप थोड़ा सा अपने आप को बेचैन पाते हैं, और ये बेचैनी और ये सब कुछ जो है इसको सपोर्ट मिलेगा पिता का, इसको सपोर्ट मिलेगा कार्य का, मतलब अगर आप आउट ऑफ इंडिया कार्य करते हैं तो ये बेचैनी ज़्यादा रहेगी आपको, विद इन इंडिया करते हैं तो आपके लिए एक बेहतर स्थिति फिर भी क्रिएट हो सकती है, और आपके कुछ काम जो हैं प्रॉपर्टी वाहन या बिजनेस बढ़ाने से रिलेटेड आप कर सकते हैं, आराम से तो होंगे लेकिन आप एकदम ज़ोर ज़बरदस्ती भी करके काम बना ही लेंगे। आपकी पर्सनालिटी में ऐसे कुछ एनहांसमेंट देखने को मिलती है मुझे, जिससे आप आने वाले दिनों में खूब पैसा संचित कर पाएंगे, और साथ साथ आप जो कमाएंगे उस पर भी आप बिजनेस खड़ा करने की सोचेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, और विवाहित जीवन का सपोर्ट भी है। थोड़ा सा आपको अपने बच्चों को लेकर चिंताएं हैं कि क्या किया जाए, बट आप ज़्यादा ना सोचें, उनके सारे काम बनते रहेंगे, कोई भी ऐसी बिगट परिस्थिति नहीं आएगी, और जो भी मानसिक बेचैनी है उसके लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सनलाइट में बैठ के किया करें, या ओम एंग्री क्लिंग चामुंडा बीचे के जाप सनलाइट में बैठ के अवश्य किया करें। पेट संबंधित बीमारियां हैं या नींद नहीं आती या भ्रम हो रहा है अरे मुझे ये बीमारी हो गई वो बीमारी हो गई, तो उस पर ध्यान न देते हुए डायग्नोस करवा के और नेचुरल वेज में जाइए, क्योंकि ये भ्रम है, क्योंकि ये बेचैनी है और ये झूठी तरफ ले जाती है, इसलिए आपको क्या फॉलो करना है, नेचुरल रास्ता, आयुर्वेदिक इलाज और घरेलू इलाज, जिससे आप काफ़ी ठीक हो जाएंगे। अभी जो धीमे धीमे भले बिजनेस बढ़ रहा है ना, उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए, आने वाले दिनों में नसीब बदलने वाला है, आपका बड़ा बड़ा काम होगा और आप बहुत ज़्यादा खुद को आश्वस्त पाएंगे। कन्या राशि, कईयों को मैंने कहा था पहले भी कन्या राशि वालों को कि अच्छा समय चल रहा है, एक आध चीज़ को अगर हम निग्लेक्ट करें तो याद रखिए भाग्य में जिनका गुरु आया हुआ ना उनके नए काम शुरू करने का मौका चल रहा है, पढ़ाई बढ़ाने का मौका चल रहा है, उनको धन बनाने के यात्रा पर सात्विक यात्रा या उनको कामकाज की यात्राओं पर जाके अपना काम बनाने के फुल टू अवसर मिल रहे हैं। वहीं पर केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, अगर आप प्यार से बात करें और आप कंफ्यूज ना हो, घबराए ना, तो आपके ये काम भी बनते नज़र आते हैं। नसीब से बन जाएंगे काम, भाग्य से बन जाएंगे काम। विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है ना वो आप अपने स्वभाव से बदलिए, क्योंकि स्वभाव भी तो कोई चीज़ होती है ना बहुत बड़ी, और स्वभाव अगर अच्छा रहता है तो बंदा हर प्रकार की प्रॉब्लम से निकल जाता है। और आपके कुछ काम ऐसे भी बनने वाले हैं जिसमें आपके काम किया और पैसा आया, मतलब काम करो और पैसा आ जाए, यात्रा पर निकले पैसा आ जाए, भले थोड़ा आए ज़्यादा आए, आएगा ज़रूर। और परिवार का कम सपोर्ट है, बोलने चलने में घबराहटें हैं, कॉन्फिडेंस में कमी है, संचित धन आपको लगता है कि निकले जा रहा है, सब आपके हाथ में है, कंट्रोल कर लीजिए, समय अच्छा है आपके लिए। और कुछ काम अब मानसिक तौर पे आप जो पढ़ाई के लिए और वीज़ा लगाने के लिए और कुछ काम ऐसे करना चाहते हैं, जो बिजनेस खड़ा करना है, कोई विदेशों में कोई काम आपको करना है ऐसा जिसमें यहाँ से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा होता रहे, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा संभालने की ज़रूरत है सप्ताह में, मैं बार बार कह रही हूँ, वहीं पर कोई नया बिजनेस शुरू ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, किसी पार्टनर के साथ, अकेले कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए,
पार्टनरशिप करने के लिए ये समय अच्छा नहीं है। नौकरी ना मिले आपको तो जो नौकरी मिले उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें और बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ये ना सोचे कि आपको ये नौकरी में क्या होगा। कभी कभी जो छोटा लगता है ना काम, वो आगे चल के बहुत बड़ा हो जाता है और आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। याद रखें, आने वाले दिन आपके लिए बहुत शुभ है। एक दो साल तो आपको बना लेने हैं अपने कई सारे काम इस दौरान। यात्राओं पर निकलते समय आपको अवॉइड करना चाहिए 17 और 18 तारीख को। अगर अवॉइड ना कर पाएँ आप, तो शिव जी का नाम लेकर गंग गणपति नमा के जाप लेकर के आप घर से निकल सकते हैं। इस सप्ताह में आपके लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के जाप अति शुभ रहेंगे और हरे कृष्णा के जाप आप निरंतर करते रहें तो ये सप्ताह आपका शांति से बीतेगा ही। और वैसे भी आपसे मैंने कहा है कि कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। तुला राशि, आपके कुछ हालात इस प्रकार से बने हुए थे कि काम बढ़ाना है, काम सर पर बहुत है और इसके साथ आपको कुछ काम आपका पिता के साथ होने वाला है। कुछ काम आपका ऐसा है कि आपको अपने आप ही ऑफ़र आ गई थी तो वो अपने आप ऑफ़र भी बनानी है। अब कुछ काम आपके केसेस भी बात संख्या, चारों तरफ काम 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 फैल गया है आपके सर पर काम। और जिन लोगों को काम थोड़ा भी अगर नहीं मिल रहा तो वो अपना बहुत सारा काम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी भी स्थिति है कि आपको सपोर्ट मिल जाए बहुत सारा बड़े भाई बहन पिता से। ऐसी भी स्थिति है कि आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं। ऐसी भी स्थिति है कि आप कुछ ऐसा कर पाएं जिसमें आपको नया काम शुरू करना है और वो नए काम के लिए भी आपको भाग दौड़ करनी पड़े। इसमें आपके विवाहित जीवन के पार्टनर आपके साथ मिलकर काम कर लें। बच्चों से रिलेटेड कुछ समस्याएं थी तो वो थोड़ी आपको लिंगर ऑन करेंगी तो आप उसमें थोड़ा परेशान रह सकते हैं। और माता पक्ष की तबीयत के लिए भी थोड़ा बहुत, अदरवाइज सब ठीक चल रहा है और ये थोड़ा बहुत है, इस पर भी ज़्यादा गौर करें ना आप। अभी फ़िलहाल मैं आपसे ये कहूँगी कि आपके लिए सप्ताह में धन आने की भी पूर्ण संभावना है जो काम किया उससे, और कूल रहने की भी आपके लिए संभावना है। अच्छी मूमेंट्स आपके जीवन में आएंगी और कुछ ऐसे काम जिसमें आपको बड़ा बड़ा हाथ डालना है काम में और नेतागिरी अभिनेतागिरी करनी है, कुछ नया बिजनेस बड़ा शुरू करना है, नौकरी कहीं बड़ी मिल रही है तो आप अवश्य ले लीजिए। अभी ये समय अच्छा है, साल सवा साल का। ऐसे कई योग आपके लिए दो दो चार चार महीने में बीच बीच में आते रहेंगे, जब आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे तो वो आपको ले लेने चाहिए। बात करूं बच्चों की तो बच्चों के लिए ये समय थोड़ा सा टेंशन वाला है क्योंकि आप कर तो रहे, पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन याद कम रह रहा है आपको, और उसके लिए आपको हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं या शिव जी की आराधना या चंडी की आराधना कर सकते हैं। हम छोटे बच्चे देखिए आराधना नहीं करते तो उनके माता पिता कटोरी में पानी लेके उनके लिए कोई भी एक मंत्र जाप करें माता का या शिव जी का और उनको जल पिला दें। साथ साथ ये भी याद रखें कि अगर आप भी अध्ययन करते हैं किसी प्रकार का तो आप इसमें अपना भी ऐसा ही पूजा पाठ कर सकते हैं। शुक्र जनित जितने उपाय हैं वो कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मीडिया आर्ट से रिलेटेड आपको काम मिलते रहेंगे और धन आने की भी संपूर्ण संभावना है कि जो भी अचानक से पीछे काम मिला था उससे पैसा आ गया। वृश्चिक राशि, अब इस सप्ताह में जो है आपके कुछ भाग्य के स्वामी का जो विचरण है लग्न से, नसीब से, पर्सनालिटी से काम बनेगा, धन भी आएगा और सप्ताह के अंत तक आपको काफ़ी फायदा जो है विवाहित जीवन के सपोर्ट से मिल सकता है। अब काफ़ी फायदा आपका ऐसा मिल सकता है जिसमें आपको गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी के साथ बिजनेस करने का मौका मिले, साथ में टेंडर आवेदन भरें, कुछ स्कूली टीचर हैं या नौकरी चाहते हैं या नेतागिरी अभिनेतागिरी करते हैं तो उनको भी दिमागी तौर पे काफ़ी कुछ सूझेगा। आते दिनों में ये काम बहुत बढ़ने वाला है इसलिए अभी से उसकी नींव रख लें। पिता से संपूर्ण सहयोग, बड़े भाई बहनों से संपूर्ण सहयोग रहेगा लेकिन आपको बेचैनी है उनसे। आप बहुतों से नाराज़ होते हैं, आप बहुतों के साथ संबंध चुपचाप ही खराब कर लेते हैं। वहीं पर ये भी समझ लीजिए आप कि कुछ काम आपको अवश्य बना लेने चाहिए ऐसे जो अभी फ़िलहाल शादी के योग हैं। ये भी एक काम है ना शादी करना, ऐसा थोड़ी है कि बाकी सारे काम करते रहो और आप शादी करना भूल जाओ, वो पता चले वन फाइन डे आप 40 के हो गए 45 के हो गए फिर मुश्किल हो जाए। तो वर वधू का चयन कीजिए, बहुत ज़बरदस्त योग आए हुए हैं और ये योग आपके कार्यान्वित हो जाएंगे।
अगर आप जो है इस पर थोड़ा ध्यान दें, और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी देवी देवता का सपोर्ट चाहिए तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें, जिससे आपका मानसिक बल भी बढ़ेगा, बच्चों की परेशानियां दूर होंगी, आपके अध्ययन की, उनके अध्ययन की, जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती है, जिन लोगों ऐसी हमारी बहनें, उन लोगों के लिए, और जिन लोगों को ऐसी टेंशन्स हैं कि मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मुझे OCD हो गया है, मुझे सिज़ोफ्रेनिया हो रहा है, ऐसे लोगों की तकलीफ़ें ऐसा करने से दूर हो सकती हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने से। और रेगुलर महालक्ष्मी के मंदिर गुरुवार या शुक्रवार को आप जा सकते हैं। आधे अधूरे आते हुए पैसे अब धीरे धीरे चालना पकड़ेंगे और आते 1 से 1.5 महीने में बड़ा पैसा भी आपको मिल सकता है। घबराइए नहीं। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए, बड़े दिनों से कुछ काम नहीं मिल रहा था, अब मिली है गति। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ कमेंट में बताएं, मुझे पिछले 2-4 दिनों से कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं बताइए, और काम थोड़ा सा हिला कि नहीं। काम हिलेगा, पैसा आएगा, जुबान कड़वी हो जाएगी, जुबान गंदी हो जाएगी, अंदर ही अंदर लोग कूढ़ेंगे कि आपने क्या बोल दिया उनको। थोड़ा सा कम बोलिए और काम कीजिए, पैसा बटोरिए, धन बटोरिए जो आ रहा है, नसीब से पैसा आएगा। आने वाले दिनों में यात्राएं खूब होंगी, पैसा भी आएगा और प्रकाश भी पड़ेगा कि आपको क्या नया काम करना चाहिए। अभी तारीफें शुरू हो गई हैं धीमे धीमे, और अभी धीमे धीमे जो है वर वधु का चयन भी होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ आपकी तरफ से है, आप जो बेमतलब बोल बोल के दुश्मन खड़े कर लेते हैं गुस्सेबाजी से, और ये आज के बाद बदलेगी स्थिति शुक्रवार के बाद। अब आपके शत्रुहंता योग भी बनेंगे और दिमाग से आपका गुस्सा कम होगा, जो आप बहुत ज़्यादा नोचने खसोटने को लग जाते हो और गुस्सा करने लग जाते हो, उससे आपकी मुक्ति मिलेगी। बताइए मुझे आपको गुस्सा आता है कि नहीं। और साथ साथ में आप ये भी समझ लें, विवाहित जीवन के साथी जो हैं उनका जो सपोर्ट आपको जो अंधाधुंध मिलेगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो आपको उस सपोर्ट से बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेना चाहिए, या कुछ अपने कार्यों को गति देनी चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। पिता से भी सहयोग है, थोड़ी सी तबीयत को संभालें। अब देखिए, दर्दें, माइग्रेन, सिर दर्द, हड्डियों में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, थ्रिप डिस्क, D3, कैल्शियम कमी, इन सब चीज़ों में अगर कुछ आपको बेचैनी होती है या ज़्यादा खर्च नज़र आता है, इस पर भी खर्चा होगा, उस पर भी, तो देखिए तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, कमाएंगे तो खर्चा करना पड़ेगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिला है अपने बारे में सोच के कि मुझे क्या करना है, और भी रिलीफ मिलेगा क्योंकि तबीयत खराब थी आपकी, अब तबीयत ठीक है, गुस्सेबाजी धीरे धीरे कम हो रही है, धन कैसे कमाया जाए इसकी तरफ ध्यान लग रहा है, नौकरी एक्सेप्ट कर रहे हैं और धन आने की भी पूर्ण संभावनाएं हो रही हैं। तो आपको अब विवाद केसेस से भी निपटना चाहिए, एक अच्छा समय द्वारे खड़ा है आपके, नसीब बदलने वाला है, कुछ काम आपके ऐसे हैं जो आपकी यात्राओं में आप कर सकते हैं और जिससे बड़ा लाभ आपको हो सकता है। आपके कई काम बुद्धिमत्ता से अब बनने वाले हैं। कुछ अजीब सी स्थिति है कि आप बेचैन बड़े हैं, अच्छा हो रहा है तो भी, और आपको ऐसा लगता है कि कई विरोधी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और साथ साथ विवाहित जीवन के साथी के साथ आपकी पटरी खाएगी अब भरपूर, उनके विचार भी सुनिए, डोमिनेट मत करिए उनको, डोमिनेट करेंगे तो बात बिगड़ेगी, अगर डोमिनेट नहीं करेंगे तो काम बन जाएंगे, अगर झगड़े किए तो काम बिगड़ेंगे, ये भी याद रखें। अगर दिमागी सूझबूझ अच्छी रखी तो आपके काम मुझे बनते नज़र आते हैं। आते दिनों में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम 17-18 तारीख को ध्यान से करें, क्योंकि नीच का चंद्रमा है, ज़्यादा फ़ायदा देने में नहीं रहे, लेकिन फ़ायदा थोड़ा बहुत तो वो अवश्य दे सकता है। बच्चों के लिए स्थिति एग्रेसिव रूप से पढ़ाई करने वाली है भी, और चोट वोट ना लगे इसका ध्यान रखें, बहुत भाग दौड़ ना करें, और अगर कोई अच्छा अवसर मिलता है स्टडी ज्वाइन करने का तो अवश्य करें, जो कि बहुत दिनों से रुका हुआ था। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को अब अच्छा समय सप्ताह के अंत तक आएगा और नए नए अनुबंध बनना शुरू हो जाएंगे, कुछ अनुबंध आपके मित्रगणों की सहायता से व्यवसाय के लिए, और कुछ अनुबंध पढ़ाई के, कुछ आपको एडमिशन्स चाहिए, कुछ जिन लोगों को संतान चाहिए उन लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जो लोग अपनी दिमाग से काम करते हैं, मतलब कई लोग तो होते हैं ना शारीरिक श्रम करते हैं, कई लोग दिमागी काम करते हैं बैठ के कुर्सियों पे, उन लोगों का पद बढ़ना, उन लोगों को इंक्रीमेंट मिलना, ये सब दिखता है। हालांकि पैसों की रोक टोक बहुत है
और पैसे रुके हुए हैं बहुत सारे, और पैसे गलत अगर आए, मतलब आप घबरा गए कि ये पैसा आ ही नहीं रहा, तो आपने गलत पैसे स्वीकार किए, तो आगे चल के पैसा भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए आपको गलत स्वीकार नहीं करना है। वहीं पर माता पक्ष के साथ बेचैनी, झगड़ा ये सब ना करें, घर में हेल्पर्स के साथ ना करें, वाहन आराम से चलाएं, तो आपके प्रॉपर्टी के काम उस दिशा में आपके काम हो सकते हैं। गलत जगह पर दिमाग लगा दिया तो फिर काम नहीं होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस्टेट एजेंट भी हैं जो, और जो लोग क्रय विक्रय करते हैं प्रॉपर्टी का, उन लोगों को बड़ा फ़ायदा होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। वहीं पर कुछ लोग जो व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, वो सप्ताह के अंत के बाद खूब व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। और जो बार बार मैं कहती हूँ ना कि कुछ रहस्यमय बीमारियाँ ऐसी जैसे सिस्ट होती है, उनको सबको अवॉइड नहीं करना, आपको फटाफट उसका डायग्नोज करवा लेना चाहिए। बोलचाल की भाषा ठीक रखें, कपट ना रखें मन में, और अपने कार्य निर्विघ्न कर लीजिए। कुछ खर्चे आए हैं पल्ले तो करने ही पड़ेंगे। प्रेम संबंध पहले से बेहतर हुए हैं तो उससे थोड़ी शांति है, अगर विवाहित नहीं है तो। और धन की थोड़ी किल्लत है आपको, तो धन की किल्लत है तो थोड़ा थोड़ा जो भी आता है ना उसमें दो दो पैसा बचाते जाइए, अभी फ़िलहाल ये आप महसूस कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए भ्रमित अवस्था जस की तस है, जबकि राहु जो है शनि के नक्षत्र में चले गए, तो अब ज़्यादा पैसों के विषय में सोच के, खर्च के विषय में सोच के अब आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और एक और 11 हो रहे हैं राहु और उसका नक्षत्र, तो भ्रमित ज़्यादा होना, बेचैन होना, और कुछ माइंड जो है उसमें कुछ खलल आना, कुछ कईयों की जो मानसिक बीमारियां हैं उनको बढ़ जाना, सबके लिए आपको गुरु के उपाय करने चाहिए। और मैं गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। यात्राएं कार्ड्स पर हैं, और यात्राएं कार्ड्स पर रहेंगी तो पैसा भी आएगा, और पैसा आएगा तो परिवार में खर्चा भी होगा, लेकिन कई काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे, तो भले खर्चा होने दीजिए, कामकाज के लिए आगे बढ़िए। कुछ काम आपके धन संबंधित जो हैं उन पर भी आपका खूब ध्यान है। देखिए पिछले दिनों आपने खूब खर्चा कर लिया कि नहीं मुझसे आप कमेंट में बताइए, और वो खर्चा अब आप उसको कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं तो वो कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। विवाहित जीवन के साथी की तबीयत संभालिए, अभी फ़िलहाल सपोर्ट तो है आपका उनको, लेकिन फिर भी, और फिलहाल आपको अच्छा समय लाने की सूचनाएं नौकरी से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, व्यवहार ज्ञान से रिलेटेड सब मिलने वाली हैं। सप्ताह के अंत तक थोड़ा वेट कीजिए, अच्छा आपको एक भाग्यवर्धक काम मिलेगा जिससे आपका आगे काम बढ़ेगा, कुछ काम नसीब से मिलेगा। एक तो मैं ऐसा कहती हूँ ना तो आप कंफ्यूज ना हुआ करें, कुछ तो काम हम मांगने जाते हैं, कुछ हमारी झोली में पड़ जाते हैं, इसका मतलब यह है। तो जो झोली में पड़ जाते हैं वो भी आपको काम मिलेंगे, उनसे भी पैसा आएगा, और कुछ मांगने जाएंगे वो भी काम हो सकता है, नौकरी वगैरह, तो आप नौकरी के लिए बोल सकते हैं। अब कुछ लोग चाहते हैं कि उनका लोन चुकता हो जाए, तो लोन भी चुकता हो जाएगा। अपना दिमाग सही रख के ना सबसे पहले कर्ज़ा चुका दो, कर्ज़ा दिमाग पे दौड़ता है ना तो आदमी बहुत बेचैन हो जाता है। और कर्ज़ा चाहिए अगर तो बहुत संभल के लो, कम से कम लो जितना चुका सको। ननिहाल पक्ष से सपोर्ट रहेगा और आगे बढ़िए, व्यवसाय आपका बढ़ेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर साप्ताहिक राशि भविष्य का असर, फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।